हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर कुरैशी, होप करता हूं आप सब ठीक होंगे। सुबह सुबह गाड़ी में आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट किया है। अभी मैं जा रहा हूं जी मार्केट तक, मुझे लाना है मीट, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो होता है ना वो बेकारी का मौसम होता है। बेकारी का मतलब बेकार रहने का नहीं होता है। तो आज मैंने प्लान बनाया कि घर में रिश्ते बनाएंगे, सबसे पहले हमें मीट चाहिए। तो मैंने फोन करके रखा है बंदे को, उसने कहा कि आ जाइए। देखिए अगर आप लेट जाते हैं तो मीट नहीं मिलेगा ना, इसलिए मतलब उसको पहले ही बोल के रखना पड़ता है कि मीट चाहिए, वो रखता है अवेलेबल। तो अभी मैं फट जाके फटाफट उसको लेके आता हूँ, उसके बाद रिश्ता बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। दाग पान है आज आया मूड रिश्ते खाना, मगर इसमें आसानी से दाग नहीं है गैस, बस अंट्रेन वास्ते। अंट्रेन क्या मतलब, अगर मैं मेहनत लग तेल फायदेगा यह गई पानी गुस्सा तैयार। ना बह क्या त्रा चलो बह त्रा तो बटर गो जेठस मज कवर खान। आज तू यूट्यूब पे आएगा कर आज मगर ये कल आता हूँ यार थोड़ा थे तुझे थोड़ा फिल्टर फिल्टर तू ऐसा ही है क्या बनाता है तू यहाँ पे? आलू मुंजी। आलू मुंजी और आलू मुंजी पकोड़े पकोड़े और और कबाब। हाँ ज्यादा मशहूर क्या है तुम्हारे यहाँ का? मेरे मशहूर है पकोड़े। पकोड़े और मैंने सुना तुझी खाने भी लोग आते हैं। तुझी खाने आते हैं बहुत लोग आते हैं। अच्छा तुझी भी चलती है? हाँ चलो जी ठीक है। ये जी हमारे खान साहब का ढाबा, अगर कभी भुनिया रहा हो तो खान साहब के ढाबे पे जरूर विजिट कीजिएगा। तो मीट मैंने ले लिया, अब मैं खान साहब से थोड़ा मुलाकात करने आया था, अभी मैं फटाफट से घर निकलता हूँ। फाइनली मैं मीट लेके आ गया हूँ घर, गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर ली है। आप तैयारी करते हैं जी रिश्तों की। अब जी यहाँ पे मीट को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो है यही आता है, ये जो बड़ा मीट होता है इसको छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है। ये जो है फैट है, इसके बगैर रिश्ता अधूरा होता है, क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो रिश्ता फट जाएगा। तो चलिए हम काम पे लग जाते हैं। ये है जी मेरा फर्न, मतलब कश्मीरी फर्न। इसको धोना है इसलिए मैं इसको एज ए सेफ्टी यूज करूंगा ऊपर से ऐसे करके। और ये जो है ये सेटअप तैयार है, इसको बोलते हैं गोश्तखोर। ये पत्थर है जिसपे रख के मीट को कूटा जाएगा और ये इसमें मीट है। इसे स्टार्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया जी मौत का तांडव नाच। इसको होगा अभी ये सुल्तान कर दे चटाई, यहाँ चटाई होगी। अब नमक ऐड करना पड़ता है इसमें, नमक थोड़ा ज्यादा ही ऐड करें, मैंने इससे पहले भी ऐड किया था। तो नमक ऐड करने से क्या होगा, ये जो है अपनी शेप में जल्दी जल्दी आएगा और टेस्टी भी अंदर से रहेगा। अगर हम ऊपर से इसको नमक डालेंगे तो फिर टेस्ट जो है वो अंदर नहीं जाएगा, इसलिए नमक इसमें जरूरी ऐड करना पड़ता है। अब जी इसमें चर्बी ऐड करनी है, ये फैट जो हमने रखा था इसको थोड़ा उबाल लेना है और इसमें ऐड करना है। बड़े प्यार से इसको मिलाना है, बस थोड़ी देर ये मिल जाए उसके बाद एकदम से सही हो जाएगा। पहले पहले ये मिलने नहीं देता इसको, पहले ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, लेकिन आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं और आराम आराम से इसको पीटना है, ये एकदम मिल जाएगा। तो रिश्ता बनाने के लिए इसको गोल गोल शेप देनी पड़ेगी, उसके लिए हाथ को थोड़ा सा भिगोना है और इसमें से थोड़ा सा मीट लेके ऐसे अपने साइज से साइज के हिसाब से इसको गोल करना है। ऐसे ऐसे इसको जरूरी मारना है ताकि इसमें कोई निशान अगर रह जाता है तो रिश्ता फट जाता है।
इसलिए इसको ऐसे ऐसे जरूर करें और फिर बस गोल आकार दें, रिश्ता एकदम फिट हो जाएगा। ये देख लीजिए जी एक रिश्ता, इसको हाथ में उठा के थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते हैं, रिश्ता इज रेडी। ये देख लीजिए ये कच्चा रिश्ता कंप्लीट हो गया। ये रिश्ता बनाने के बाद हम इसको पानी में डाल देंगे, आप ठंडे में डालो या गर्म में डालो अपनी मर्जी, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसको ऐसे पानी में डाल देंगे, रिश्ता इज रेडी। ये जी थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, इसको हम गर्म कीमा बना के खाएं। इतनी मेहनत की है यार, हालत खराब हो गई है, कीमा तो बनता है, ये तो मस्त। यहाँ पे जी रेडी हो रहा है हमारा कीमा। फाइनली जी हमारा कीमा तैयार है, ये वाला कीमा। ओहो टेस्ट क्या है, ये एकदम मस्त। मम्मी और एवरेस्ट तीखा लाल, इसको खाते हैं। वहां से काम खत्म करने के बाद अब टाइम हो चला जी हमाम जलाने का। जब तक आप मेरी वीडियोस देखोगे तब तक आप मुझे हमाम जलाते हुए देखोगे, क्योंकि सर्दी का माहौल है। ये सारी लकड़ियां जो मेरे पीछे पड़ी है इनको जलाना ही जलाना है, इसमें कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। तो फटाफट से हमाम जलाता हूँ। अगर आपको हमाम जलाने का वीडियो देखना है तो वो मैंने इससे पहले ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो जल्दी से मैं हमाम जलाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। रिश्ते भी बन गए, हमाम भी जल गया, लेकिन मेरी तबीयत डाउन हो गई। आज सुबह मैं नींद से उठा था तभी मुझे लगा था कि सेहत सही नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था तो दिन निकल गया। मैं चला जी स्टीम इनहेलेशन का, थोड़ा सा स्टीम ले लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, हो सकता है सेहत में सुधार आ जाए। इट्स टाइम फॉर रिश्ता। ये मेरे को अपना मिला है, ये मतलब जो सबने एक एक खाया है उसका एक, और ये जो मैंने बनाया है उसका एक। मज़े वाला खंड जहर। ये रहा जी हमारा रिश्ता। रिश्ते किधर पापा, रिश्ते किधर? क्या हुई नहीं? तो जी आप मेरे वीडियोस एंजॉय कीजिए, मैं रिश्ता एंजॉय करता हूँ। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।